Good morning, dear students. Now we have to continue chapter number 2, where topic is soils of India. यानी हम जो soils हैं, यानी जो अलग अलग प्रकार की मिट्टी हैं भारत में, उनके बारे में बात करेंगे. The soils of India have been classified in different ways on the basis of their nature. यानी जो मिट्टी है इंडिया में, उसको classified किया गया है on the basis of their nature, उनके nature को देखते हुए एंड करेक्टर को देखते हो. ऑन द बेसिस ऑफ दियर जीनिस, यानी वो कहाँ पर पैदावार है, कलर उनका कैसा है, कंपोजिशन कैसा है, एंड लोकेशन और कहाँ पर पाई जाती हैं. द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी ICAR ने इनको डिस्ट्रीब्यूट किया है 8 भागों में सॉइल को. फर्स्ट वन इज एलुवियल सॉइल. द फाइन पार्टिकल्स ऑफ रॉक मटेरियल कैरिड इन अ सस्पेंशन एंड डिपॉजिटेड ऑन लैंड बाई अ रिवर इज कॉल्ड एलुवियल. यानी जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, जब रिवर नदी बह रही होती है उन चट्टानों में से, तो जो छोटे छोटे पत्थर टूट टूट के नीचे आ जाते हैं रिवर के पानी के साथ, उस जो इकट्ठे हो जाते हैं नीचे ज़मीन पर, उसी को बोलते हैं एलुवियम सॉइल. ए सॉइल कंपोज्ड बाय एलुवियम इज कॉल्ड एलुवियम सॉइल. दिस सॉइल इज़ मोस्ट प्रोडक्टिव वन इन इंडिया. यानी ये एक ऐसी सॉइल है जहाँ पर प्रोडक्टिव यानी बहुत जल्दी पैदावार होती है. थ्रोग लो इन नाइट्रोजन. क्यों होती है? क्योंकि ये लो होती हैं नाइट्रोजन में, एंड ऑर्गेनिक कंटेंट इसमें पाया जाता है, बट हाई इन मिनरल. लेकिन मिनरल्स इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पाए जाते हैं. कंटेंट लाइक पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट मिनरल. इट इज़ फाउंड इन द ग्रेट इंडियन प्लेन्स. ये ज़्यादातर पाए जाते हैं ग्रेट इंडियन प्लेन्स में. जैसे कौन कौन से में? रिवर वैलीज, कोस्टल प्लेन्स एंड डेल्टास. मोस्ट ऑफ द फूड ग्रीन्स वीट, राइस, मेज, पल्सेस आर ग्रोन ऑन दीज सॉइल्स. यानी बहुत सारे जो हमारी फूड होती हैं वो हम इसमें सॉइल में पैदावार कर सकते हैं. जैसे वीट, गेहूँ, राइस, चावल, मेज, मक्का, पल्सेस, दाल आर ग्रोन ऑन दी सॉइल. अवर सेकेंड टॉपिक इज ब्लैक सॉइल. द ब्लैक सॉइल आर सो कॉल्ड बिकॉज ऑफ देयर डार्क कलर. उसको ब्लैक सॉइल यानी ब्लैक सॉइल इसलिए बोला जाता है बिकॉज ऑफ देयर डार्क कलर, क्योंकि उसका डार्क कलर है. ड्यू टू द हाई कंटेंट ऑफ ह्यूमस एंड आयरन ऑक्साइड. उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है हाई कंटेंट ऑफ ह्यूमस, नमी होती है, आयरन ऑक्साइड ज़्यादा पाया जाता है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक कॉटन सॉइल. उसको दूसरे नाम से भी हम जानते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल, एज इट इज़ सुटेबल फॉर कॉटन क्रॉप. यानी हम इसमें कॉटन क्रॉप ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं. ब्लैक सॉइल हैज़ बीन फॉर्म्ड इन सिटू बाय द वेदरिंग. ये हमारा जो हमारी ब्लैक सॉइल है वो कहाँ पर होती है फॉर्म? इन सिटू में, बाय द वेदरिंग, ब्रेकिंग अप एंड डिकम्पोजिशन ऑफ द बेसाल्टिक रॉक ऑफ द लावा प्लेटी. यानी जो हमारी वेदरिंग जब ब्रेकिंग अप होती है, जो हमारी कुछ रॉक्स हैं, चट्टाने हैं, वो टूटती हैं, लावा के फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं, दे आर दस रिलेटेड टू द पेरेंट रॉक. फिर उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? पेरेंट रॉक बोलते हैं. इट बिकम स्टिकी. बहुत टाइट हो जाती है, स्टिकी हो जाती है, हैवी हो जाती हैं विथ टू मच मॉइस्चर. उनमें मॉइस्चर पाया जाता है, नमी होती है. हाउएवर एज द वेदर बिकम्स ड्राई, जब वेदर सूख जाता है, एकदम ड्राई हो जाता है, इट डेवलप्स डीप क्रैक. कहीं ना कहीं उसमें दरारें आ जाती हैं. द ब्लैक सॉइल आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द डेकन ट्रैप. जो ब्लैक सॉइल है वो हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड की जाती है डेकन ट्रैप में, रीजन में. जैसे कौन कौन से रीजन है? महाराष्ट्र, वेस्टर्न MP, मध्य प्रदेश, पार्ट ऑफ कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, गुजरात एंड तमिलनाडु. थर्ड वन इज रेड एंड येलो सॉइल. द सॉइल इज डिराइव फ्रॉम द वेदरिंग ऑफ द ग्रेनाइट एंड जीनीसियस रॉक एंड हाई एंड मॉडरेट रेनफॉल रीजन. यानी ये ऐसी सॉइल है जो कहाँ पर पाई जाती है? जहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है और मॉडरेट रेनफॉल होता है, यानी हल्की बारिश होती रहती है. दे आर सो कॉल्ड बिकॉज ऑफ देयर कलर. दे शो डिफरेंट शेड्स ऑफ रेड, ब्राउन और येलो. इनके डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं, जैसे कि रेड, ब्राउन और येलो. इट इज़ ड्यू टू द हाई कंटेंट ऑफ आयरन कंपाउंड. और ये कलर कैसे होते हैं? ये किस वजह से होते हैं? आयरन कंपाउंड की वजह से. दिस सॉइल कंटेन कैल्शियम. ये जो सॉइल होती है ये क्या कंटेन करती है? कैल्शियम. बट इस डेफिशिएंट इन फॉस्फोरस. लेकिन इसमें फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा होता है, लाइम, पोटेशियम एंड ऑर्गेनिक मैटर. इट इज़ डिराइव फ्रॉम ओल्ड क्रिस्टलिन रॉक. ये कहीं ना कहीं हमारी जो पुरानी क्रिस्टलिन चट्टानें होती हैं उनसे प्राप्त होती हैं. द सॉइल कंटेन कैल्शियम. ये जो मिट्टी है होती है इसमें कैल्शियम होता है, बट आर डेफिशिएंट इन पोटेशियम, ह्यूमस एंड फॉस्फोरस. लेकिन इनकी कमी होती है किसमें? पोटेशियम की, ह्यूमस की, फॉस्फोरस की. वीट, मिलेट, कॉटन, पोटैटोस एंड कोर्स ग्रेन्स आर वाइडली ग्रोन इन दिस सॉइल. यानी ये सारी चीज़ें जो हैं वो उपजाऊ कर सकते हैं इस मिट्टी में.
दिस सॉइल कवर्स एक्सटेंसिव एरियाज ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इन केरला. ये जो सॉइल है वो कवर करके चलती है एक्सटेंसिव एरियाज ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड अपलैंड ऑफ आसाम, मेघालय एंड त्रिपुरा. यानी इन सारे रीजन में ये मिट्टी पाई जाती है. सेकेंड फोर्थ वन इज लेटराइट सॉइल्स. द लेटराइट्स आर टिपिकल सॉइल ऑफ द ट्रॉपिकल रीजन. ये टिपिकल सॉइल होती है जो किस रीजन में पाई जाती है, ट्रॉपिकल रीजन में, विद हैवी सीजनल रेनफॉल. और ये जब पाई जाती है जहाँ पर सबसे ज़्यादा हैवी बारिश होती है, विच प्रमोट्स लीचिंग ऑफ द सॉइल, जिसकी वजह से कहीं ना लीचिंग होती है, वो गीली गीली सी रहती है. द ऑर्गेनिक मैटर नाइट्रोजन फॉस्फेट एंड कैल्शियम आर लो इन दी सॉइल. ये सारी चीज़ें जो होती है जैसे ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजन फॉस्फेट एंड कैल्शियम, ये इसमें कम मात्रा में पाई जाती हैं. वाइल आयरन ऑक्साइड एंड पोटेश आर इन एक्सेस, वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो आयरन ऑक्साइड और पोटेश इन ज़्यादा मात्रा में होती है. हैंस इट इज़ पुअर एंड नीड टू बी इनरेस्ट विद, ये कहीं ना कहीं पुअर मिट्टी होती है, नीड टू बी इनरेस्ट विद फर्टिलाइजर. लेटराइट सॉइल आर वाइडली कट एज ब्रिक्स फॉर यूज ऑफ हाउस. यानी ये सॉइल ऐसी होती है जो वाइडली कट एज ब्रिक्स, यानी एक ईंटों की तरह काटते हैं हम इसको ताकि हम घर बना सकें. घर बनाने में यानी ये जो मिट्टी होती है इतनी हार्ड होती है कि कहीं ना कहीं अगर आप इसको ईंट के फॉर्म में काटोगे तो आप इसे घर बना सकते हो. दी सॉइल हैव मेनली डेवलप्ड इन हायर एरियाज ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू. ये हायर एरियाज में डेवलप्ड होती हैं, जैसे पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑन द वेस्टर्न घाट में जो होते हैं, छोटा नागपुर प्लेट्यू इन साउथ बिहार एंड मेघालय. कॉटन, राइस, वीट, पल्सेस, टी एंड कॉफी आर ग्रोन इन दी सॉइल. ये सारी चीज़ें हैं इस ज़मीन में उपजाऊ होती हैं. कैश्यू नट्स आर ग्रोन इन केरला इन रेड लेटराइट सॉइल. जो हमारे कैश्यू नट्स होते हैं वो केरला में होते हैं इन रेड लेटराइट सॉइल में. तो वी हैव टू कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो. सो थैंक यू एंड हैव अ गुड.